Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. I am here with you, your teacher Miss Aisha, and we are going to study our Cambridge Scholar Series Science Grade 4. Today we are going to start our lesson number 10 of unit number 1. And your unit name is Characteristics and Life Processes of Living Organisms. The SLO we are going to continue today is to recognize and appreciate diversity in life of both plants and animals and identify ways to protect biodiversity or diversity. In the previous lesson number 1 and lesson number 9, we have discussed about recognition. We have recognized and appreciated diversity in case of plants and animals, and today we are going to learn about ways how to protect biodiversity. In your grade 4 book, in unit number 1 on page number 14 and 15, the topic is given regarding ways to protect biodiversity. हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि biodiversity क्या है. Living organism, जितने भी जानदार दुनिया में पाए जाते हैं उनमें animals और plants, और हमने एक term introduce की microorganisms. Are the organisms जो बहुत small हैं which cannot be seen by our eyes, और इनके लिए हमें special instrument चाहिए होते हैं which is what called microscope to see the microorganisms. So all that living organisms, उनको हम किस तरह से save कर सकते हैं in our environment और उनकी life को हम किस तरह से protect कर सकते हैं, which is our topic of learning today. Lesson plan regarding the video lecture is also available for the teacher guidelines. Okay, we can conduct an activity. Teachers, आपको I suggest that कि students को आप पहले तो different habitat से aware कराएं, like living organisms कहाँ कहाँ exist कर सकते हैं, in air, in soil, in water bodies and many other areas around us. किन किन हैबिटेट्स में एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं या प्लांट्स, और उन हैबिटेट्स के अंदर हमारी क्या इन्वॉल्वमेंट है, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर हम कोई नेगेटिव अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू या उन हैबिटेट्स को डैमेज करें तो उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ पे और एग्जिस्टेंस पे क्या असर होगा. बाय डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन विद द स्टूडेंट्स यू कैन गेट अबाउट द नॉलेज रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ हैबिटेट्स, और स्टूडेंट्स को अवेयर करें कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट और क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पर्सन्स अराउंड अस रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन टुडे फ्रॉम योर बुक. हाउ देयर आर वेज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कि जितनी भी लिविंग लाइफ है विच इज़ व्हाट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी लाइफ को और उनकी एग्जिस्टेंस को विद इन देयर हैबिटेट हम किस तरह से सेव कर सकते हैं. ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल हैव इक्वल राइट, उन सबको पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें वाइल लिविंग इन द हैबिटेट और नेचर. और कुदरत ने, हमने पिछले अपने लेसन में पढ़ा कि किस तरह से बैलेंस क्रिएट किया हुआ है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर लाइफ नीड्स, और किस तरह से एक पूरा बैलेंस क्रिएट है टू एग्जिस्ट विद इन द एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बैलेंस को और एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को डैमेज कर रहे हैं, और उस डैमेजिंग की वजह से या हमारी उन एक्टिविटीज़ की वजह से होता क्या है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट. वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन के एक्सटिंक्ट टर्म मीन्स कुछ एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से वो दुनिया से ख़त्म होने के ख़तरे में, और ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म हो रहे हैं. सो उसके लिए हमें करना क्या होगा, वी मस्ट शुड टेक सम स्टेप्स ताकि हम बायोडाइवर्सिटी, एनिमल और प्लांट लाइफ को बचा सकें. एंड वट आर दी स्टेप्स, we can protect their habitat. How we will protect their habitat, we will learn in further slides. We should protect water resources, we should avoid hunting, we should educate ourselves or we should educate others or people around us, and we can breed endangered animals, the animals which are in danger of extinction. Wo animals jinko khatam ho jane ka khatra hai unko hum save kar sakte hain by their
breeding. So how can we protect habitats of environment of animals? हमें पता है there are different kinds of habitat जिसमें मुख्तलिफ तरह के जानवर और पौधे exist करते हैं. We can save these habitats by we should plant more and more trees. हमें ज़्यादा ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और हमें दरख्तों की तबाही को रोकना चाहिए ताकि जो animals दरख्तों पर रहते हैं या जंगलात में रहते हैं वो survive कर सकें by getting their basic life needs which is natural. We can also implement or we should implement law and order. कोई ख़ास कानून जो हमें जंग एनिमल्स हैबिटेट के में मूव करने के लिए गाइड किया जाता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट एंड वी शुड स्टॉप लूटिंग द लिविंग प्लेसेस. जानदारों की जो भी रहने की जगह हैं हमें उसको पोल्यूशन से बचाना चाहिए. हाउ कैन वी डू दिस बाय अवॉइड डूइंग दिस हैबिट दैट इज़ नॉट डंपिंग गार्बेज. हमें अपने इर्द गिर्द की जगह पर और वाटर बॉडीज़ में और एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल की जगह पे कूड़ा फेंकने से अवॉइड करना चाहिए. सो वी कैन प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट्स इन ऑर्डर टू सेव बायोडाइवर्सिटी. सेकेंडली वी शुड प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज मीन वो तमाम जखायर जो पानी के जखायर हैं या पानी की कलेक्शन या डिपोजिशन हैं इन द वर्ल्ड. वी शुड नॉट पोल्यूट दैट वाटर बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल रिवर्स लेक्स oceans, ponds and many other water reservoirs. spoilage of water bodies की वजह से होता क्या है अगर हम कोई भी कूड़ा अपने इर्द गिर्द फेंकेंगे या वो इस तरह से पानी water bodies में उसकी deposition या collection होगी it will in return engulf or affect the aquatic life. now the term is aquatic life. क्या है aquatic life? life in water. वो तमाम जानदार जो पानी में रहते हैं वो इस आलूदा पानी की वजह से दे विल गेट अफेक्टेड और इन रिटर्न इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ. वाई? बिकॉज हम जिस सी फूड पर डिपेंड कर रहे हैं फॉर आर नीड्स वी विल गेट अफेक्टेड बाई दिस पोल्यूशन एंटर्ड इन टू द वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़. ऑल्सो वी शुड अवॉइड हंटिंग. हमें जानवरों का बेवजह या बिला वजह या ज़्यादा शिकार नहीं करना चाहिए. हंटिंग ऑफ एनिमल से होता क्या है? आप अगर जानवरों का ज़्यादा शिकार होगा तो उसकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट होगा और उसकी वजह से विच अफेक्ट्स द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी. किसी एक जानवर की ज़्यादा हंटिंग अगर उसकी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करेगी डिक्रीज करेगी उसकी वजह से ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी किस तरह से अफेक्ट होगी? क्योंकि अगर वह एनिमल किसी दूसरे एनिमल की गिज़ा है लाइक प्रीडेटर्स जो उस पर अटैक करते हैं उनकी फूड में अगर कमी आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो लेपर्ड इज़ अ प्रीडेटर ऑफ मारखोर. अगर हमारे हमारे एरिया में या हमारे इर्द गिर्द जो कंट्री में डिफरेंट जगहों पे मारखोर की तादाद कम होगी उसकी पॉपुलेशन हंटिंग की वजह से डिक्रीज करेगी तो स्नो लेपर्ड विल नॉट गेट इट्स बेसिक नीड विच इज़ व्हाट इट्स फूड एंड वुल्फ्स विल नॉट गेट देयर फूड. उसके से होगा क्या कि दे विल अटैक योर रेजिडेंशियल एरियाज. आपके आबादी की जगहों को या रिहाइश की जगहों को वो अटैक करेंगे एनिमल्स एंड दे विल किल द पर्सन्स देयर. अपनी भूख को पूरा करने के लिए वो आबादी की जगहों पर अटैक करके ह्यूमन लाइफ को डैमेज करेंगे डिस्ट्रॉय करेंगे. वाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग देयर नेचुरल फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ हंटिंग. सो होना क्या चाहिए कि गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स. हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि वो इन लीगल हंटिंग को कंट्रोल भी करें और मोनिटर भी करें. फॉर एग्ज़ाम्पल of Himalayan ibex, there are some animals of Marhor, Sindhi ibex, Punjabi Ariel and Hobara bustard and there are some other animals which are endangered or which are hunting. Their hunting is in illegal uses so it should be avoided by government. Also we can educate ourselves. हमें खुद को भी समझाने और awareness create करनी है अपने इर्द-गिर्द के लोगों में कि हम किस तरह से biodiversity को save कर सकते हैं. We should increase awareness about biodiversity and the need to protect it. हमें biodiversity की पहले तो लोगों में awareness और importance को create करना है और उनको बताना है कि हम इसको किस तरह से save कर सकते हैं by giving them these different measures. Also we should support some organizations, कुछ ऐसे हकूमती इदारे या private organizations जो कि animals या wildlife और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स को सपोर्ट करती हैं
या प्रोटेक्ट करती हैं, उनके लिए कोशिश करती रहती हैं टू सेव द बायोडाइवर्सिटी. वी शुड सपोर्ट दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. और उसमें हमारे पास एक बहुत वेल नोन इज WWF, विच इज़ नेम्ड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडिंग. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग फॉर दिस नोबल कोर्स. They are protecting and they are creating measures and creating awareness among the people how to save biodiversity. कि किस तरह से वो जानदारों के habitats को बचा रही हैं या उनके survival के लिए they are putting their efforts. Also we can, or government should take measures to breed endangered animals. वो तमाम animals which are in the danger of extinction, जिनका ख़त्म हो जाने का, जिनकी पॉपुलेशन इज़ गेटिंग डिक्रीज, उनकी ब्रीडिंग मीन्स उनकी पैदाइश और उनकी ज़्यादा रिप्रोडक्शन करानी चाहिए इन नेशनल पार्क्स एंड जूज टू प्रमोट देयर जनरेशन और देयर फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर जनरेशन Beside these, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? We can contribute by very little of our efforts or attempts. हम अपने बहुत छोटे छोटे इकदाम से, like for example, हम biodiversity को save कर सकते हैं by not putting or throwing the garbage around. We should avoid littering. कूड़ा इटगिर ना फेंके. Animal habitat like plants को destroy ना करें. For our own needs, for construction purposes and for many other needs, we should not destroy the animal's habitat. Summarizingly or conclusively, protecting biodiversity leads to coexistence with animals and plants without harming them. हमें इस तरह से अपने लाइफ स्टाइल और रूटीन्स को और एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है कि हम एनिमल्स और प्लांट्स के जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है उसको प्रमोट कर सकें, उसको सेव कर सकें और हम उनके साथ, उनको बगैर हार्म पहुँचाएं, वी कैन एग्जिस्ट अमंग विद दैम. ड्यूरिंग रैप अप, वट द टीचर्स कैन डू, you have to revise the SLO, which is to recognize and appreciate diversity in life in case of both plants and animals, and we have identified ways to protect it. Aaj ke lesson mein humne padha ki kis tarah se hum biodiversity ko protect kar sakte hain. Wrap up mein teachers aap students ko revise karne ke liye lesson different questions unse pooch sakte hain to revise through the concepts clearly ki unhone kya sikha aur different attempts se, human activity se hum kis tarah se biodiversity ke को डैमेज करें या हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं. होमवर्क इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 24 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट सम वेज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी. वर्कशीट इज़ अवेलेबल फॉर फर्दर प्रैक्टिस. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल आइडेंटिफाई मेजर पार्ट्स ऑर्गेन्स इन एनिमल्स विच आर वर टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, muscles and brain. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.